हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ चार बहुत ही ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, यूनिक और स्टाइलिश होम डेकोर DIY शेयर करने जा रही हूँ। अभी इस तरीके के वुडन DIYs बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ही कम बजट में आप इन्हें क्रिएट कर सकती हैं। एज यू ऑल नो कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, फर्नीचर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जब फर्नीचर का काम घर में चलता है तो काफ़ी सारा स्क्रैप वुडन निकलता है और इन्हीं स्क्रैप वुडन पीसेस को लेकर मैंने क्रिएट किए हैं ये सभी DIYs। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी इस तरीके के वुडन डेकोर को बनाने का, तो मुझे अभी बहुत ही अच्छा मौका मिला। इस तरीके के काफ़ी सारे पीसेस मैंने इकट्ठे करके रखे थे ताकि मैं इनके बहुत ही कुछ ब्यूटीफुल से इंटरेस्टिंग DIYs बनाऊं और आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज के ये चारों इंटरेस्टिंग कलरफुल DIYs आपको पसंद आएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल कलरफुल DIY आइडियाज़ को। स्क्रैप वुडन के इन DIYs में सबसे पहले हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश से दिखने वाली नेम प्लेट। इसे बनाने के लिए मैंने ये चार वुडन पीसेस लिए हैं और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल वुडन पीस है इसके नीचे मैंने ये इस तरीके के हुक्स लगवा लिए हैं और ऊपर वाले जो तीनों पीसेस थे इसे मैंने हमारे यहाँ पे जो कारपेंटर आए थे उनकी हेल्प से मैंने इन्हें कुछ इस शेप में कट कर लिया है। तो एक पीस को हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल और बाकी तीन पीसेस को मैंने कुछ इस तरीके से कटवा लिया है और इनके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से फिक्स कर रही हूँ। अब इन सभी पीसेस को आपस में स्टिक करने के लिए मैं ले रही हूँ हिटेक्स का ये ग्लू। ये ग्लू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वुडन पीसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिक कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, इस ग्लू की हेल्प से मैंने इन सभी पीसेस को आपस में स्टिक कर लिया है। हीटेक्स ग्लू को लगाने के साथ साथ मैंने इसके पीछे ये पॉप्सिकल स्टिक्स को लगा लिया है जिससे कि एक बेस इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये आपस में अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएंगे। तो देखिए, सभी पीसेस आपस में स्टिक होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लग रहा है। इन सभी पीसेस को आपस में स्टिक करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख देना है जिससे कि आपस में अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्गली एकदम से स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर की ओर भी ये छोटे छोटे वुडन स्टिक्स इसके ऊपर लगा लिए हैं जिससे कि इनकी ये रूफ का शेप आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब देखिए, अच्छी तरीके से स्टिक हो गए हैं आपस में। अब हम इसे पेंट करेंगे तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो की एक लेयर को जिससे कि इसके ऊपर ये जो छोटी बड़ी प्रिंट्स हैं, जो भी इसके पर कलर्स के दूसरे दाग वगैरह लगे हुए हैं वो इसके नीचे कवर हो जाएंगे और बाद में हम हमारी फर्दर पेंटिंग इसके ऊपर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जेसो की इस लेयरिंग के इस पार्ट को स्किप भी कर सकती हैं और डायरेक्टली इसके ऊपर पेंट भी कर सकती हैं, लेकिन जब हम जेसो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और बाद में हमारे कलर्स इसके ऊपर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे ब्राइट दिखते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जेसो की लेयर लगा कर इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। जेसो की लेयर जब ड्राई हो जाएगी तो अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल बेस है हमारा, उसके ऊपर मैंने बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही लाइट और पेस्टल कलर किया है और ऊपर के जो हमारे हाउसेस हैं इसके ऊपर मैंने बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल कलर रखे हैं। इनके कलर कॉम्बिनेशंस को आप टोटली अपने अकॉर्डिंग, अपने होम डेकोर के अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से वुडन स्क्रैप से बने हुए अभी डेकोर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और क्लासिक लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें बहुत ही मिनिमम बजट में क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के पीसेस रखे हुए थे क्योंकि मेरे घर में भी फर्नीचर का काम हुआ है। अगर आप भी इस तरीके के स्क्रैप वुडन पीसेस को परचेज करना चाहती हैं तो आप किसी भी लोकल एरिया में इस तरीके के पीसेस को परचेज कर सकती हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइजेस में। और अगर आप यहाँ पर इसे कार्डबोर्ड से रिप्लेस करना चाहती हैं, कार्डबोर्ड से इस नेम प्लेट को बनाना चाहती हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकती हैं। कार्डबोर्ड को बस आपको इतनी शेप में कट कर लेना है और पेस्ट कर लेना है, कार्डबोर्ड बहुत ही इजीली स्टिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इन सभी हाउसेस को पेंट कर लिया है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कार्डबोर्ड्स की बनी हुई नेम प्लेट्स शेयर की हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहती हैं तो आपको उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पेंटिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद हमने जो नीचे वाला ये बेस लगाया है, नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल
वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर मैंने अपनी सरनेम लिख ली है। आप यहाँ पर अपना कोई भी नाम या फिर जिसके लिए भी इसे बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नाम को लिखने के बाद मैंने इसके आसपास छोटी छोटी डिटेलिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर, हमने जो हमारे हाउसेस बनाए हैं इसके ऊपर छोटी छोटी क्यूट सी डिटेलिंग और कर लेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके रूफ के ऊपर थोड़े से बल्ब क्लोथ डोर विंडोज़ के पैटर्न देते हुए इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। आई होप कि ये छोटी छोटी डिटेलिंग के आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। इस नेम प्लेट को आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकती हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो डेकोरेशन की चीज़ें, जैसे कि पॉप्सिकल स्टिक्स हो गई, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप इसके ऊपर स्टिक करके इसे और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भी इस तरीके से प्लास्टिक नेट और कुछ स्क्वायर्स रखे हुए थे मेरे पास, तो उन्हें इस तरीके से स्टिक करते हुए इनके डोर्स और विंडोज़ को बना लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। अब हमने जो हमारी नीचे ये सरनेम लिखी है उसके एक साइड पर मैंने बल्लभ क्लोथ का कोन बना लिया है, एक वास जैसा लग रहा है, और अब इस कोन में मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स को स्टिक कर दिया है। एक साइड ये कोन को स्टिक करने के बाद दूसरी साइड थोड़ी ये गैप छूट रही थी, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रेस कर लिया है बुद्धा जी के स्टैचू को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेंसिल से उन्हें ड्रॉ करके बाद में उसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से फिल कर लिया है। यहाँ पर ये बुद्धा जी को बनाने के बाद ये नेम प्लेट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिटेलिंग भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जो बुद्धा जी का स्टैचू बनाया है इसको, और हम मैंने जो मेरी ये सरनेम लिखी है उसे थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके आसपास गोल्डन 3D आउटलाइनर और वाइट 3D आउटलाइनर से इन्हें थोड़ा और इन्हेंस कर दिया है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। फ्रेंड्स, इस नेम प्लेट में जो मैंने ये दो हुक्स लगाए हैं इसके नीचे मैं प्लान कर रही हूँ जो बैटरी ऑपरेटेड लैंटर्न्स आते हैं उन्हें हैंग करने का। फिलहाल मैंने अपने कुछ प्रीवियस DIY इसके नीचे हैंग कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप चाहें तो इसके नीचे कोई वाटर प्लांट हैंग कर सकती हैं या फिर जो भी आप इसके नीचे हैंग करना चाहती हैं उसे हैंग कर सकती हैं। आई होप कि ये नेम प्लेट का इजी स्टाइलिश और ट्रेंडी आइडिया आपको पसंद आएगा। इस ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट की DIY के बाद मैंने बनाया है ये बहुत ही स्टाइलिश कलरफुल और प्रीटी सा की होल्डर। की होल्डर हमारे घरों में मस्ट होता है, तो इसके लिए भी मैंने देखिए कि ये वुडन प्लैंक लिया है और इसके नीचे मैंने कारपेंटर भैया से ये हुक्स लगवा लिए हैं। और सबसे पहले अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो अगेन सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जैसो कि एक लेयर को, और इस लेयर को करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरीके के की होल्डर को इजीली कार्डबोर्ड के ऊपर भी बना सकती हैं। आपको 3 से 4 लेयर कार्डबोर्ड की लेनी है और इन्हें आपस में स्टिक करते हुए उसके ऊपर इन जे हुक्स को लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जैसो के लेयर को लगाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी डेकोपाज को। तो मेरे पास ये ब्यूटीफुल से कुछ डेकोपाज पेपर्स रखे हुए थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इसके ऊपर स्पॉन्ज की हेल्प से ये लाइट ग्रीन और एक्वा कलर करते हुए इसके बेस को फिर से पेंट कर लिया है, जिससे कि जब हम डेकोपाज के ये कटआउट इसके ऊपर स्टिक करेंगे तो इनके कलर कॉम्बिनेशंस आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सिंपल सी पेंटिंग भी कर सकती हैं, मंडाला आर्ट कर सकती हैं, लिपण आर्ट कर सकती हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वर्क इसके ऊपर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही क्यूट और सिंपल रखा है, जिसके लिए मेरे पास ये इस तरीके का बर्ड्स और फ्लावर्स का ये कटआउट रखा हुआ पेपर रखा हुआ था, इसके मैंने कटआउट निकाल लिए हैं और इसे मैं सबसे पहले इनके ऊपर स्टिक कर लूँगी। अब हमने जो ये कटआउट स्टिक किए हैं इनके बीच में जो ये गैप हैं इन्हें फिल करने के लिए मैंने सेम एक्रेलिक कलर्स बना लिए हैं 2-3 कलर को मिक्स करने के बाद, और इन्हें आपस में अच्छी तरीके से इनकी एजेस को मर्ज कर लेंगे जिससे कि इनका एक सिमिलर लुक आएगा। अब इन कटआउट के कलर्स को मैंने थोड़ा और ब्राइटन अप कर दिया है, थोड़े फ्लावर्स बना लिए हैं जिससे कि इन सभी चीज़ों का एक सिमिलर लुक लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैंने इसके हियर एंड देयर कुछ ब्रिक वॉल पैटर्न बना लिए हैं, इस तरीके के ब्रिक वॉल पैटर्न अभी बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपके पास ब्रिक वॉल का स्टेंसिल है तो आप यहाँ पर स्टेंसिलिंग भी कर सकती हैं। मैंने ब्रश की हेल्प से ही एक थोड़े से स्टेंसिल का पैटर्न बना लिया है और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब आप इसके बीच में कोई भी होम डेकोर से रिलेटेड मैसेज, कोई भी कोट्स, कोई भी पॉजिटिव कोट इसके ऊपर लिख सकती हैं। और मैंने भी देखिए एक ब्यूटीफुल सा मैसेज इसके ऊपर लिख दिया है। इस ब्यूटीफुल से मैसेज को लिखने के बाद इसकी दूसरी वाली साइड मुझे थोड़ी खाली लग रही थी, तो मैंने एक चॉकलेट सिरप का एक एम्प्टी बॉटल मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसे कट कर लिया है और इसके ऊपर मैं स्टिक कर लूँगी जूट थ्रेड को। एक साइड हमने ये लाइट ब्राउनिश कलर का ही डेकोपाज किया है इसके साइड पर, तो जब हम इस तरीके की ये बॉटल पर जूट थ्रेड इसके ऊपर स्टिक करेंगे तो इनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और ब्यूटीफुल लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बॉटल के ऊपर मैंने जूट थ्रेड को स्टिक कर लिया है और इसे फेविकोल की हेल्प से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरीके की बॉटल को नेल की हेल्प से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई भी रियल प्लांट को भी लगा पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हमने जो ये बॉटल इसके ऊपर स्टिक की है इसमें अपने छोटे बड़े बिल्स और पेपर्स को रखने के लिए भी इसे एज ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकती हैं। इसकी बाउंड्रीज पर मैंने ये ब्लू कलर करते हुए इस की होल्डर को कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट और ट्रेंडी वॉल आर्ट। इस तरीके के वॉल आर्ट अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे बनाने के लिए मैंने एक ये वुडन प्लैंक लिया है। आप इस वॉल डेकोर को बहुत ही इजीली कार्डबोर्ड से भी रिप्लेस कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये वुडन प्लैंक लिया है इसे मैंने ब्लू कलर करते हुए पेंट कर लिया है और बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रेस जो पेंटिंग होती हैं इसके ऊपर थोड़े से वाइट डॉट लगाते हुए इसके ऊपर थोड़े से शेडेड इफेक्ट दे दिए हैं, जिससे इसका लुक डिस्ट्रेस पेंटिंग जो होती है वैसा निकल कर आ रहा है। अब इस वॉल आर्ट में मैं लगा रही हूँ इस तरीके के फील्ड शीट फ्लावर्स को। फील्ड शीट फ्लावर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा बजट में आप इन्हें बना सकती हैं। फील्ड शीट बहुत ही ज़्यादा कलर्स में मार्केट में बहुत ही चीप प्राइजेस में अवेलेबल हैं। अगर आप इन फील्ड शीट के फ्लावर्स का डिटेल में वीडियो देखना चाहती हैं तो मैंने अपने प्रीवियस DIY में इसे शेयर किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने देखिए एक बहुत ही क्यूट से कलरफुल फ्लावर्स, थोड़े सी लीव्स इसके ऊपर बना ली हैं और अब हम इन्हें अरेंज करते हुए इसके ऊपर स्टिक लेंगे। फ्लावर्स को स्टिक करने के बाद हमारे जो ग्लूगन के थोड़े थ्रेड्स इसके ऊपर रह जाते हैं इसे हम क्लीन कर लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं। अब इसके नीचे वास का शेप देने के लिए मैं लगा रही हूँ जूट थ्रेड को। आप यहाँ पर चाहें तो बल्ब क्लॉथ को या फिर किसी पॉट को भी स्टिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जूट थ्रेड को एक बॉटल की शेप में स्टिक कर लिया है। जूट थ्रेड को स्टिक करने के बाद आप इसके बीच में कोई भी ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखकर इसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर ये मैसेज लिख दिया है और इस वॉल आर्ट को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही कम बजट में बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी वॉल आर्ट्स घर पे इजीली क्रिएट कर सकती हैं। आई होप कि ये क्यूट, कलरफुल, वाइब्रेंट और स्टाइलिश वॉल आर्ट का DIY आपको पसंद आया होगा। लास्ट में इसे हैंग करने के लिए मैंने वुलन थ्रेड से इसके पीछे ये लूप बना लिया है और रेडी कर लिया है इस ब्यूटीफुल से वॉल आर्ट को। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हमारा आज का लास्ट, फोर्थ और इजीएस्ट DIY, जो कि है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश वॉल आर्ट। इसे बनाने के लिए मैंने ये चार वुडन प्लैंक्स लिए हैं। इसमें आप छोटी बड़ी किसी भी साइज़ के वुडन प्लैंक्स ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के पीसेस को भी कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन चारों प्लैंक्स को मैंने इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से पेंट कर लिया है। अब यहाँ पर इनके ऊपर आप जो भी चाहें वो मैसेज लिख सकती हैं। अगर आप अपने होम में इसे हैंग करना चाहती हैं, लिविंग रूम के अकॉर्डिंग इसमें मैसेज लिख सकती हैं, किचन में हैंग करना चाहती हैं, बेडरूम में, बच्चों के रूम में, जहाँ पे भी आप इसे हैंग करना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर मैसेज लिखकर इस वॉल आर्ट को कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख दिया है इन चारों प्लैंक्स के ऊपर।
फ्रेंड्स, इस तरीके के वुडन प्लैंक से बने हुए कलरफुल वॉल आर्ट अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर भी देखे होंगे तो आपको इस तरीके के काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लगते हैं और बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके ऊपर ये मैसेजेस लिखते हुए इसके आसपास छोटी छोटी डिटेलिंग कर ली हैं और इन चारों प्लैंक्स को कम्प्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इन प्लैंक्स को आपस में एज इट इज स्टिक करके भी किसी भी वॉल पर हैंग कर सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें हैंग कर रही हूँ सबसे पहले एक रोप के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने वाइट नायलॉन की ये रोप ले ली है और इन सभी प्लैंक्स को वन बाय वन करते हुए इस रोप के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है। चारों प्लैंक्स को स्टिक करने के बाद मेरे पास अपने प्रीवियस DIY के कुछ टेसल्स रखे हुए थे, इसे मैंने इसके नीचे हैंग करते हुए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल वॉल आर्ट को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के चारों इजी, इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी DIY आइडियाज़। आई होप कि आपने ये वीडियो इंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे आइडियाज़ से इंस्पायर होकर कोई भी DIY अपने घर पर क्रिएट करते हैं तो मुझसे उनके सभी पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पामेचा वर्षा। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मेरे कुछ इजी, इंटरेस्टिंग, स्टाइलिश, ट्रेंडी और क्लासिक DIY आइडियाज़। आई होप कि ये वुडन स्क्रैप के जो आइडियाज़ हैं आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सभी DIYs में से सबसे अच्छा कौन सा लगा। आपके जो फीडबैक होते हैं, ये कमेंट्स होते हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने का, अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलोइंग बेल आइकन, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है और मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम भी करता है। चलिए फिर मिलती हूँ मेरे एक और इजी और इंटरेस्टिंग DIY के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।